दोस्तों आज मैच है कांस्टेबल के दूसरे नंबर के टीम आरसीबी और तीसरे नंबर के टीम दिल्ली कैपिटल्स के बीच। तो शाम को 7:30 बजे से अबू धाबी में ये मैच शुरू होगा। तो अब तक इन दोनों ही टीमों ने आईपीएल 2020 में अपने अपने 13 मैच कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये मैच इन दोनों ही टीमों के लिए अपना आखिरी लीग मैच साबित होने वाला है। तो अब तक खेले 13 मैचों में से दोनों ही टीमों को 7-7 मैचों में जीत मिली है। तो आज के मैच में जो भी टीम जीतती है वह अपने दूसरे क्वालिफायर के हिसाब से अपना नाम पक्का कर लेंगे, जो कि फिरने वाला है मुंबई इंडियंस के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग इसी मैच के ऊपर बात करने वाले हैं। अलग अलग स्टैट्स के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा कि आज के मैच में क्या माइलस्टोन क्रिएट हो सकते हैं, कौन से प्लेयर कमाल कर सकते हैं, कौन सी टीम का पलड़ा कितना ज़्यादा भारी है, और इसके अलावा मेरा ओपिनियन और प्रेडिक्शन भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट से नजर डाल लेते हैं अबू धाबी के वेदर के ऊपर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है आज 31 डिग्री सेल्सियस का और मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है 26 डिग्री सेल्सियस का। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग ह्यूमिडिटी की बात करें तो 61% की ह्यूमिडिटी आज रहने वाला है। तो ह्यूमिडिटी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो भी टीम आज के मैच में टॉस जीतती है सबसे पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला करेंगे, क्योंकि बाद में सेकंड इनिंग्स में आ जाता है ड्यू फैक्टर, और ड्यू फैक्टर आ जाने के वजह से वहां पर स्पिनर्स को मदद मिलना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसीलिए जो भी टीम टॉस जीतती है अपने पास ये एडवांटेज जरूर रखना चाहेगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग दोनों ही टीमों के हेड टू हेड के ऊपर नजर डाले आईपीएल के हिस्ट्री को उठा करके, तो अब तक आरसीबी और डीसी के खिलाफ खेला जा चुका है 24 मैचेस, जिसमें से आरसीबी को जीत मिली है 14 मैचों में यानी कि 14 मैचों में, और वहीं पर दिल्ली को जीत मिली है 9 मैचों में, और इन दोनों ही टीमों के बीच एक मैच रद्द रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग हाई स्कोर की बात करें तो आरसीबी का दिल्ली के खिलाफ हाई स्कोर है 215 रनों का, वहीं पर दिल्ली का आरसीबी के खिलाफ हाई स्कोर है 190 रनों का। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग लो स्कोर की बात करें तो बेंगलुरु का दिल्ली के खिलाफ लो स्कोर है 137 रनों का, और दिल्ली का बेंगलुरु के खिलाफ लो स्कोर है 96 रनों का। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज के इस मैच को हम लोग खेलने वाले हैं मेलबर्न पर। तो सबसे पहले मैं आज के विनर टीम को प्रेडिक्ट करता हूं। तो मैं जाऊंगा आज दिल्ली के साथ, तो यहां पे दिल्ली के साथ मैं 500 रुपीज़ के साथ अगर खेलता हूं तो अगर देख सकते हैं आप, अगर मैं जीत जाता हूं तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उसके बाद मैं खेलूंगा टॉस के साथ, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ तो टॉस के साथ मैं खेलूँगा। दिल्ली आज के मैच में टॉस जीतेगी और इसके बाद ये मैच भी दिल्ली जीतने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अगर ये प्रेडिक्शन सही जाता है तो मुझे कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो सिंपली से आप भी मेलबर्न पर जाके इसी प्रकार से अपने क्रिकेट नॉलेज और स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करते हुए पैसे के साथ साथ ढेर सारा इनाम जीत सकते हो। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेलबर्न पर रजिस्टर करने का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग अबू धाबी की वेन्यू की बात करें तो दिल्ली ने यहाँ पर खेल रहे 4 मैचेस, जिसमें से एक मैच में इन लोगों को जीत मिली है, वहीं पर 3 मैचों में दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं पर आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने भी यहाँ पर 4 मैच ही खेले हैं, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर 2 मैच जीते हैं, वहीं पर 2 मैचों में इन लोगों को हार का सामना करना पड़ा है। तो वेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो बेंगलुरु के पास थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज है ऐसा हमको लगता है। तो उसके बाद हम लोग नज़र डाल लेते हैं आज के मैच में कौन सा माइलस्टोन क्रिएट हो सकते हैं। तो सबसे पहले शिखर धवन आईपीएल 2020 में 500 रन पूरे कर सकते हैं। शिखर धवन को 500 रन पूरे करने के लिए चाहिए सिर्फ 29 रन। तो अगर शिखर धवन आज 29 या फिर उससे ज्यादा रन बना देते हैं तो आईपीएल के इस वाले सीजन में वो अपना 500 रन पूरे कर लेंगे। उसके बाद एबी डिविलियर्स को भी दिल्ली के खिलाफ 500 रन पूरे करने के लिए चाहिए 61 रन। तो अगर एबी डिविलियर्स आज 61 या फिर उससे ज्यादा रन बना देते हैं तो दिल्ली के खिलाफ वो भी अपना इंडिविजुअल 500 रन पूरे कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों विराट कोहली भी आईपीएल 2020 में अपना 500 रन पूरे कर सकते हैं, तो उनको भी चाहिए 69 रन। तो अगर विराट कोहली 69 या फिर उससे ज़्यादा रन बना देते हैं तो वो भी अपना आईपीएल 2020 में 500 रन पूरे कर लेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के मैच में कौन से प्लेयर कमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा शिखर धवन का। तो शिखर धवन ने जो बैक टू बैक 50 लगाया था, उसके बाद बैक टू बैक सेंचुरी लगाया था, तो उम्मीद करूंगा कि इस आखिरी लीग मैच में उनके बल्ले से हमको उसी प्रकार के एक इनिंग्स देखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों उम्मीद करूंगा कि विराट कोहली भी आईपीएल 2020 में आज ही अपना 500 रन पूरे कर दे और वो अपने टीम के लिए एक अच्छा नॉक खेले। उसके बाद दोस्तों एबी डिविलियर्स को भी आप नहीं भूल सकते। तो अगर बेंगलुरु को जीतना है तो एबी डिविलियर्स का बल्ला चलना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बेंगलुरु के स्पिनर चहल की बात करें तो चहल किसी भी मैदान में कमाल कर सकते हैं, तो आज के मैच में भी दिल्ली के बल्लेबाजों को वो अपने फिरकी में फंसा सकते हैं। वहीं पर अगर हम लोग पेस बॉलर की बात करें तो कगिसो रबाडा है, तो कगिसो रबाडा आज के मैच में बेंगलुरु को अपने पेस से तंग
कर सकते हैं। तो आखिर में मैं नाम लेना चाहूंगा दिल्ली की कप्तान श्रेयस अय्यर का, तो अय्यर का बल्ला भी आज चल सकता है। तो काफी मैच में हमने देखा भी था, काफी टाइमिंग से अच्छे से वो छक्के लगाते हैं, तो उम्मीद करूंगा कि आज के मैच में भी उनके बल्ले से कुछ उसी प्रकार के इनिंग्स हमको एक देखने को मिले। तो ये तो मैंने आपको आज के मैच के बारे में प्रीव्यू दे दिया, तो अब बारी है मेरा ओपिनियन और प्रिडिक्शन की। तो पिछले दोनों ही मैचों का प्रिडिक्शन हम लोगों का बिल्कुल सही गया है, तो आज देखते हैं कि क्या होता है। तो आज के मैच के लिए मैं दिल्ली को विनर प्रेडिक्ट करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतने वाली है, तो आप कमेंट करके बताना अपना ओपिनियन जो भी है कमेंट करके बताना, ठीक है। और मैक्सिमम अगर प्रेडिक्टेड स्कोर की बात करूँ तो आज का मैच मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं रहने वाला, तो 107 से 170 के बीच ही रहने वाला है जो टारगेट सेट करेगी पहले बैटिंग करने वाले टीम, ठीक है। तो बस यही था आज के मैच के बारे में मेरा ओपिनियन। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और इसी प्रकार का वीडियोस अगर आप रेगुलर पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।